ये शो आ गया भाई वसीम मदानी का, जो हर साल हम बड़े शौक से देखते हैं। फर्स्ट सिमाला फर्स्ट फेरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये लस्सी है भाई। एक्साइटमेंट में आपने कुछ ज्यादा जल्दी सैरी कर ली भाई। सिर्फ ये मजा आता है कि लस्सी, शरबत, पकौड़े, हर चीज मिल जाती है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता था, पहले आधे दिन का रोजा रखे 12 बजे तक, और उसके बाद फुल डे का रखे। सौमे का दिन नवे तो मैं इंशाअल्लाह रमजान फजर की अज़ान हो रही, मतलब मगरिब की अज़ान हो रही। खोल लिया एक साल के बाद आपके भाई ने टोपी लगाई। टोपी लगाते नहीं है, पहनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। पहली सैरी आप सब लोगों को बहुत 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 मुबारक हो भाई। तो भाई पहली सैरी स्टार्ट हुई और आपके भाई ने रमजान मुबारक का पहला ब्लॉग भी शुरू कर दिया है। सुबह सुबह सैरी से भाई आप देख सकते हैं घर में कितना सन्नाटा हो रहा है। बच्चे अभी तक सो के नहीं उठे, उनको उठाना जरूर है भाई, क्योंकि अहमद तो बोल के सोया था लाजमी है भाई, वो मुझे लाजमी उठाइएगा। इस शर्त पे वो रात को 10 बजे सो गया था कि मुझे सैरी में उठाएंगे भाई। तो अभी अहमद के भी उठाना है, मुस्तफ़ा साहब के उठाने के, मुस्तफ़ा साहब जब तक शोर शराबा ना करें तो मज़ा नहीं आता ना भाई। तो अभी फिलहाल सैरी स्टार्ट हुई है, किचन में सैरी बन रही है, काम स्टार्ट है। अभी हिरा से पूछते हैं कि भाई सैरी में क्या क्या है, ये पहला रोजा है, जरा मंड के खाएंगे भाई, क्योंकि रोजा ना लगे ना यार। आपको पता है वर्किंग डे भी है, अहमद के स्कूल भी जाना है, सारे मामला तय करने को, तो फिर रोजा लग सकता है ना यार। एनीवेज चलते हैं और पूछते हैं हिरा से भाई कि क्या बनाए। अच्छा भाई, अरे ये कहाँ से आ गए दोनों? मैं बोल रहा हूँ अभी तक सो रहे दोनों। मैं समझा सो रहे थे भाई तुम दोनों। दोनों उठ गए भाई, भाई उठ गए भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हैं भाई आपको भी सारे रोज रखवा है भाई। चलो दोनों को, इसको भी दोनों को रोजा रखवा दो भाई। चलो भाई फर्स्ट सैरी आप दोनों को मुबारक हो। अच्छा हाँ हरा, क्या है सैरी में? क्या है सैरी में? हरी मिर्ची कीमा पराठा लस्सी और चाय। हाय हाय क्या बात है भाई। तो भाई अब टीवी खोलते हैं और देखते हैं भाई। हाँ वसीम बादामी का शो आता है ना, तो उसमें मज़ा आता है। पकड़ो खोलो ना टीवी, खोलो आ जाओ मतलब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर। उसमें खान भाई लगा हुआ है हमारा पहले, और आज मेरे पास आ जाओ आफ्तारी के लिए। हाँ समोसे, हाँ तो अफ्तारी में करेंगे ना समोसे, मतलब अफ्तारी में खाएंगे। अभी जो सैरी है और सैरी करना बहुत सा आपका काम है भाई, सैरी लाजमी क्या करें। देखिए सबसे पहले भाई आई चाय का थर्मोस, थर्मोस आ गया थर्मोस। वो लगा वसीम मदानी का शो, जो कंपटीशन आता ना सवाल, वो जो क्वेश्चन आंसर आते ना बड़े मजेदार होते हैं यार वो। चलो ये कब भी आ गया भाई। चलो फाइनली ये शो आ गया भाई वसीम मदानी का, जो हर साल हम बड़े शौक से देखते हैं। इसमें 2-3 सेगमेंट बड़े प्यारे होते हैं, सवाल जवाब देने होते हैं ना, वो बड़े मजेदार होते हैं। वो अहमद और मैं भी खेलते हैं, ये जो सवाल करते हैं जवाब हम भी देते हैं। दस्तरखान पे सामान माल पानी मन और शर्मा आना शुरू हो गया है भाई। सबसे पहले आपके भाई का फेवरेट वन एंड ओनली कीमा। कल कीमा कीमा कह रहे हैं कीमा पराठा, और गरम गरम पराठे का ये कीमा है। आपको खाना है? बैठ जाओ, सिट डाउन सिट डाउन हो गए। वाह भाई वाह, माशाल्लाह सब समझता है, ये सब समझता है। तो भाई देखिए आई लव यू है। यार ये क्विज शुरू हो गया और हम भी सवालों के जवाब देते हैं भाई। तो क्या कह रहे हो? चले भाई सैरी करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से सैरी के, बल्कि सैरी में आप लोग हमारे साथ ही हैं भैया। 2024 की फर्स्ट सैरी फर्स्ट निवाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा पराठा सैरी हो गई हमारी तकरीबन, लेकिन एक चीज रह गई है भाई, वो आखिर में राउंड चलता है हमारा। सैरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे अच्छा पार्ट होता है, जिसको जिसमें पूरे जिस्म में ठंड पै जाती है भाई, और ठंड ठंड। तो भाई ये लस्सी है भाई, ये इन सबसे मजेदार चीज होती है ना, एंड में हम पीते हैं ये। इससे ये होता है कि भाई पूरा दिन प्यास नहीं लगती और एक अच्छा अच्छा फील होता है। ये देखें भाई ये बर्फ लेके बैठे हुए हैं साहब जी, यम 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 यम। देखो ये देखें बर्फ लेके बैठा हुआ है, पकड़ो तुम लिए तो पकड़ो। ओए होए भाई, ओ ओ नहीं भाई मैंने पकड़ ला भाई,
तो भाई अभी जब तक उठा रहेगा ना ये इसी तरह से सीन चलते रहेंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी कोई ना कोई हरकत करता रहेगा। एनीवेज भाई लस्सी शस्सी पीते हैं हम लोग, तकरीबन सैली करके फारिग हो चुके हैं और शाने रमजान का सबसे अच्छा सेगमेंट भाई मेरा तो ये है क्योंकि इसमें अंबिया इकराम की बातें बताई जाती हैं, मुझे रहमान सबसे अच्छा यारा सेगमेंट लगता है मुझे भाई। हर साल सुनते हैं, जब जब सुनते हैं जब जब नया लगता है और जब जब अच्छा लगता है भाई। हमारे स्कूल में ना एक्साइटमेंट में आपने कुछ ज्यादा जल्दी सैरी कर ली। पहली सैरी थे ना एंड कंफर्म नहीं था ना, तो अभी टाइम जैसे कि हो रहा है पूरे 5 बज रहे हैं और अभी थोड़ी देर में ऐलान हुआ मेरे ख्याल से आज की सैरी 5:20 पे खत्म, 5:28 मिनट पे खत्म, 28 मिनट खत्म हो गया, नहीं अभी 28 मिनट में आधे घंटे पहले सैरी कर ली। और शुक्र है आज सुबह ने इतना तंग नहीं किया जितना हमें लग रहा था कि बहुत तंग करने वाले हैं। बातें सही था वैसे, टाइम थोड़ा जल्दी फारिग हो जाए बंदा, आधे घंटे पहले फारिग हुआ है। हाँ ये तो थोड़ा फायदा हो गया, तो ये आधे घंटे में एक वो लगेगा, एक स्लॉट उसका खजला या फेनी का लगेगा ताकि आधे घंटे बाद भूख नहीं लगती, लेकिन खजला फेनी हम लाइन ही कर लेंगे इंशाल्लाह। सही और गाइस रमजान में सिर्फ ये मजा आता है कि लस्सी शरबत पकोड़े हर चीज मिल जाती है और सुकून से खाते हैं, बहुत मजा आता है। आम दिनों में तो अहमद को कुछ भी नहीं मिलता बेचारे को, पूरे साल में आलू के पकौड़े बहुत कम मिलते हैं, आलू के पकौड़े आलू। हाँ ये बात है, पकौड़े तो मिलते ही नहीं है, खैर पूरे साल कहाँ बनाते हैं, कभी बारिश वारिश हो गई तो बना लिए। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, आप जो आज रोजा रखने की जिद कर रहे हैं ना, आप आज रोजा नहीं रखें, आज आप जस्ट प्रैक्टिस करें ठीक है, नियत नहीं करेंगे भाई। अहमद बहुत फोर्स कर रहा है कि मैं आज रोजा रखना चाह रहा हूँ भाई, मैं अभी नियत नहीं रख रहा, चले नियत नहीं कर रहा, लेकिन मैं मम्मा से वादा नहीं तोड़ूंगा, मैं रोजा रखूंगा। अगर मैंने आज का रोजा अच्छी बात है, आप कोशिश कर रहे हैं सुने, अगर मैंने रोजा रख लिया तो आप मुझे कल का रोजा रखवाएंगे ना, मैंने ये आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे आप सबसे पूछिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, हम बचपन से हमें यही सिखाया जाता था पहले आधे दिन का रोजा रखें 12 बजे तक और उसके बाद आप फुल डे का रखें। आप डायरेक्ट कह रहे हो कि मैं पूरे दिन का रखूंगा, आप बताएं आपका नहीं ऐसा हुआ था होगा, हमने तो आधा आधा दिन करके रखा था। मुझे पिछले महीने की बात याद नहीं, अपनी बचपन की बात याद रखूंगा। अब इतने पुराने हैं ना इसलिए। चलो देखते हैं मैं तब रख पाता है नहीं रख पाता। मैं रख लूंगा, नियत नहीं कर रहा। अगर मैंने आज के शाम का रोजा खोल लिया एक बिना चीज पिए या खाए तो ना खाए मैं फिर अपनी कल ठीक है। मुस्तफा को फ्राइज और मैंगो शेक और स्ट्रॉबेरी मैं कभी वादा नहीं करूंगा, सारे के लिए मुस्तफा की बोल रही है सही खिला दिया, सब खिला दिया, बर्गर खिला दिया, मिस्टर बीस्ट स्ट्रॉबेरी को माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी बोलता है, हर ठेले जिस ठेले पे स्ट्रॉबेरी मिल जाती ना वहाँ से स्ट्रॉबेरी लाके उठाता है। दुआए शहर शहर कराची में पहला रोजे रखा जा रहा है भाई, सौ में कदम नवे तुम इंशाअल्लाह रमजान। आपके भाई ने नियत कर ली है भाई रोजे की और आपके भाई ने रोजा रख लिया, मैं जा रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा, अजान हो गई है यहाँ पे टीवी पे, अरबी इलाके की अजान नहीं हुई है तो अभी फिलहाल जाते हैं वजू करने के लिए, पढ़ते हैं मगरिब को, मगरिब करो अभी से रोजा लगा फजर की अजान हो रही है मतलब मगरिब की अजान हो रही है, अभी से रोजा खोल लिया कर ली जरा सही है, तो वजू करते हैं फिर नमाज नमाज पढ़ते हैं फजर की और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फजर की अजानें हो रही हैं, हमारे इलाके में भी अजान शुरू हो गई हैं और रोजा आज का हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रख लिया है भाई, फर्स्ट रोजा हमने रख लिया है। आप लोगों को बहुत मुबारक हो, हमें बहुत मुबारक हो, नमाज पढ़ते हैं फजर की और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। देखिए मैं आपको एक पक्का और सच्चा मुसलमान दिखाती हूँ, हमारे घर में पक्का सच्चा मुसलमान है, शर्मा रहे टोपी लगा, टोपी लगाई कुछ और नहीं लगाया, जो आप लोग शर्मा रहे पूरे कितने एक साल के बाद आपके भाई ने टोपी लगाई, एक साल क्या आपने तो पिछले रमजान में भी कभी नहीं लगाई, वो तो मैंने अभी आपको बोला था आपने लगाई, पहनाई है मैंने ये टोपी लगाते नहीं है पहनाते हैं चलो जी नहीं बैठा दूसरी टोपी लाया हुआ, देखो टोपी उल्टी लगाया हुआ, सीधी है अब सीधी हो जाए, दूसरी टोपी ट्राई कर रहे हैं ये शायद ये सूट अच्छा नहीं लगा, ये ऐसी टोपी अच्छी लगी, ये अच्छी हुई, हाँ ये अच्छी लग रही, एक्स्ट्रा वाला लग रही, टोपी वोपी का अपना काम नहीं है, दिल मजबूत होना चाहिए गाइस, बावजूद इसके काम ईमान पक्का होना चाहिए, नमाज पढ़ो और अल्लाह को
मैंने इतना मजाक उड़ाया कि वकास ने टोपी उतारी। ये देखिए जाए नमाजें बिछ गई हैं और नमाज पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट तो मस्जिद जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ लेते हैं कल मस्जिद जाएंगे। तीसरी टोपी आ गई कि शायद ये सूट कर जाए। ये फिर भी थोड़ी ये थोड़ी सूट करी। आपके भाई ने फजर की नमाज पढ़ ली, उसका टाइम हो रहा है 5:45 का और अहमद साहब के स्कूल में जाने में मेरा कितना टाइम है? 7:30 बजे अहमद को स्कूल जाने, यानी कि अभी हमें जागना पड़ेगा और मजीद कि अभी डेढ़ घंटा हमें मजीद नहीं, डेढ़ घंटा तो नहीं कम से कम एक घंटा में और जागना पड़ेगा, क्योंकि 7:05 पर अहमद को मैं छोड़कर फेंक कर आया था स्कूल पर। भाई तो मैं अभी दिखाता हूँ, देखिए दोनों क्या कर रहे हैं लेटे में दोनों मजे से। ये देखें आपके बच्चों क्या कर रहे हो दोनों लेटे में यहाँ पे। ये देखिए दोनों मोबाइल यूज कर रहे हैं, इसने सहरी भी कर ली, इसने सहरी कर ली और मजे से फसड़ गए। करते हैं भाई ब्लॉग को एंड। और ये थी हमारी आज की फर्स्ट सहरी रूटीन जो तकरीबन 30 रोजे तक यही चलेगी। थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है बस। अच्छा चेंज कब होती है? जब ताक रातें होती हैं तो कुछ चेंज हो जाता है मामला, लेकिन फिलहाल तो सहरते हुए हर बंदे की 30 सहरी ऐसी गुजरती रूटीन। तो फिलहाल हमने भाई अपनी फर्स्ट सहरी की रूटीन आप लोगों से शेयर करी है, तो भाई मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को यहीं पर एंड। अगर आपको ये रूटीन सहरी अच्छी लगे, ये ब्लॉग अच्छा लगे, उसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर लो यार। मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।